हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को नेवी ब्लू टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से और भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कम्प्लीट देखना एंड हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फ़ोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। ओके गाइस, जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फ़ोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है, ऑल फोटोज़ पर क्लिक करेंगे एंड यहां पर है हमारी फोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के लिए ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर पे, इस वाला आइकन पे एंड यहां क्लिक करेंगे एंड यहां से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर की वैल्यू को हम +21 रखते हैं एंड यहां से वाइब्रेंस की वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, वाइब्रेंस की वैल्यू को हम +30 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जाएंगे हम ऑरेंज कलर पे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम -21 रखते हैं एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे ताकि जो हमारा स्किन टोन है वो ब्राइट लगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम +28 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे -100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी करेंगे -100। ठीक है, एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम -32 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे -100 एंड इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी करेंगे -100 एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी यहाँ से हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम -40 रखते हैं एंड ऊपर से कर देंगे डन एंड नेक्स्ट जाएंगे हम ग्रेडिंग ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से फर्स्ट ऑल ऑप्शन जो कि है शैडोज का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड अपनी फिंगर की सहायता से इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को हम कुछ इस टाइप से फिंगर को स्लाइड करते हुए हम मिला लेंगे। जैसे मैं मिलाता हूँ, ठीक इसी प्रकार से आपको भी इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को मिला लेनी है। तो गाइस, चलिए मैं इसे थोड़ा जल्दी में मिला देता हूँ। सो गाइस, इसकी ह्यू है 231 एंड सेचुरेशन है 60। ओके, तो यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम माइनस क्यों लेके जाएंगे। तो गाइस, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम -49 रखते हैं एंड यहाँ से ब्लेंडिंग को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ब्लेंडिंग की वैल्यू को हम 75 रखते हैं एंड यहाँ से इसकी वायलेंस की वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसकी वायलेंस की वैल्यू को हम माइनस क्यों लेके जाएंगे। तो गाइस, इसकी वायलेंस की वैल्यू को हम -70 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं थर्ड वाला ऑप्शन पे जो कि है हाईलाइट का ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड इसकी भी ह्यू एंड सेचुरेशन को अपनी फिंगर को स्लाइड करते हुए हम मिला लेंगे। तो गाइस, चलिए मैं इसका भी ह्यू एंड सेचुरेशन को जल्दी से मिला देता हूँ। सो गाइस, इसकी ह्यू है 240 एंड सेचुरेशन है 36। तो यहाँ से क्या करना है, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम -10 रखते हैं एंड ऊपर से कर देंगे डन। सो गाइस, अब हम अपनी फोटो की लाइटिंग एडजस्ट करेंगे परफेक्ट टाइप से। ठीक है, तो इसके लिए हमें जाना होगा लाइट के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से एक्सपोजर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, एक्सपोजर की वैल्यू को हम यहाँ से 0.29 रखते हैं एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को हम +6 रखते हैं एंड यहाँ से हाईलाइट्स की वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम -32 रखते हैं एंड यहाँ से शैडोज की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस, शैडोज की वैल्यू को हम +14 रखते हैं
एंड यहाँ से वाइट्स की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो गाइस वाइट्स की वैल्यू को हम प्लस एट रखते हैं एंड यहाँ से ब्लैक्स की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे, गाइस ब्लैक्स की वैल्यू को हम माइनस 12 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं हम इफेक्ट को ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेक्सचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो गाइस टेक्सचर की वैल्यू जो हमारे फोटो है उसको भी क्लैरिटी देती है, ठीक है, जो भी हमारा कलर है उसको गहरा करती है, तो इसकी वैल्यू को हम प्लस 40 रखते हैं एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो टेक्सचर, क्लैरिटी एंड डी हैज ए तीनों मिलता जुलता ऑप्शन है, ठीक है, एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है, तो इसे हम प्लस 35 रखते हैं एंड यहाँ से डी हैज की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है, एंड डी हैज की वैल्यू को यहाँ से हम 21 रखते हैं एंड यहाँ से विनेट की वैल्यू को हम माइनस क्यों लेके जाएंगे, तो गाइस विनेट की वैल्यू को हम माइनस 31 रखते हैं एंड यहाँ से मिड पॉइंट की वैल्यू को भी डिक्रीज करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा, तो मिड पॉइंट की वैल्यू को हम 30 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को, सॉरी शार्पनिंग की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो इसे हम 20 रखते हैं एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू को हम प्लस 15 रखते हैं। सो गाइस हमारा फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं बिफोर हमारा फोटो ऐसा था एंड आफ्टर ऐसा। सो गाइस आप लोग जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आपको एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक। Just turn around.